फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स प्लस टू से करेंगे एक्स क्यू को, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस आ जाएगा, ये कट हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ हम माइनस टू एक्स से करेंगे, तो हो जाएगा ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, प्लस हो गया प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा फोर एक्स। तो फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस फोर से, तो क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस एट, माइनस माइनस ये कट हो गया, ये माइनस यहाँ पे एट आ जाएगा। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले पे करेंगे, क्यू प्लस आर बाय डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू बाय एक्स प्लस टू। तो इसको इस पे जो करेंगे एक्स क्यू बराबर इतना आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस एट बाय एक्स प्लस टू इन टी एक्स। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू बाय एक्स प्लस टू करेंगे, फिर एक्स प्लस टू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरह से, यहाँ माइनस एट आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आई पापा अब आइए इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कितना आता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस एट बाई एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, सबका आ जाएगा डी एक्स। कितना आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलग अलग करके कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इसका आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर के साथ डी एक्स आएगा, तो एक्स हो जाएगा माइनस एट लॉग हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे में तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि वो कैसे बनता है। दूसरा मैं ये ले रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर बाई, इसको रूट में देखते हैं कि रूट वाला कैसे सॉल्व होता है। तो फाइव एक्स प्लस सिक्स इंटू डी एक्स, तो जैसे कि यहाँ पे रूट पे है इसमें हम लैम्डा लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर इजकल टू लैम्डा फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस म्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर इजकल टू फाइव लैम्डा एक्स प्लस सिक्स लैम्डा प्लस म्यू। अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ऑन कम पेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव लैम्डा इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा थ्री बाय फाइव।
और 6 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लैम्डा का मान रख देंगे, तो 6 इंटू 3 बाई 5 प्लस म्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा, और म्यू इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 18 बाई 5, और म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 5। अब हम दोनों का मान म्यू और लैम्डा का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 बाई 5, 5x प्लस 6 प्लस 2 बाई 5, और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 3x, लेकिन हम इंटीग्रेट इसको करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाई 5, 5x प्लस 6 प्लस 2 बाई 5 बाय इंटीग्रेशन रूट अंडर 5x प्लस 6 इंटू dx, क्योंकि हम 3x प्लस 4 इक्वल टू इतना लिए थे, इसीलिए हम इसका मान यहाँ पे रखे हैं, ये जो आया है उसका, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं कि कितना आता है, 3 बाई 5 पहले आ जाएगा बाहर, 5x प्लस 6 बाई रूट अंडर 5x प्लस 6 प्लस 2 बाई 5 पहले बाहर आ जाएगा, dx बाय रूट अंडर 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब जो कि इसका ये कितना है 1, और ये कितना है इसका करेंगे, अगर रूट हम कैंसिल कर दें तो 1 बाई 2 आ जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, तो 5x प्लस 6 का पावर हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 5, यहाँ dx आएगा 2 बाई 5 dx बाय रूट अंडर 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको इसका इंटीग्रेशन निकालें तो कितना आ जाएगा 3 बाई 5, 5x प्लस 6 का पावर हो जाएगा 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2, और 1 बाई 5 से हम इसको इंटू कर देंगे, क्योंकि 5 का कोफिशिएंट कितना है इसका, ये 5 है, 5 इंटू है, इसीलिए इसको हम 5 से करेंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई 5, 5x प्लस 6 का पावर 1 बाई 2 बाय 1 बाई 2 प्लस 6, और फिर इसका पावर ये है 5 है, तो इसको हम 5 से कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई प्लस सी आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सबका 2 बाई 25, 5x प्लस 6 का पावर 3 बाई 2 प्लस 4 बाय 25, 5x प्लस 6 का पावर 1 बाई 2 प्लस सी, इसका ये आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे रूट था तो हम इसको लैम्डा और म्यू के से कंपेयर कर दिए, फिर इसका कोफिशिएंट निकाल लिए, फिर उसमें बैठा करके 3x प्लस 4 के इक्वल टू में इसका हम मान रख दिए, और फिर इसको हम इंटीग्रेट किए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं कि वो कैसे बनता है, 2x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। अब हम देखिए इसको मान लेते हैं t, अगर हम इसको माने t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, लेट अस सपोज दैट t इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू dx, dt इक्वल टू इतना हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में ये है 2x प्लस 5 इंटू dx, तो इसका मान हम ऐसे रख सकते हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय t,
और इसका मैं पहले वीडियो में भी बताई थी कि इसका मान कितना आ जाएगा, log of mod of t plus c। तो इसका कितना हो जाएगा, log of t का मान हम जो रखे थे वो रख देंगे, फिर x square plus 5x minus 7 plus c। क्योंकि इसके नीचे में जो था उसका मान ऊपर में था, इसीलिए हम पहले मान करके ही इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आसान तरीके से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।